नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी दो महिलाएं जिन्होंने अपने काम के बल पर एक अलग नाम कमाया है, एक अलग पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री कियारा एडवाणी की और साथ में निर्देशक रुचि नारायण की। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। और ढेरों प्रशंसाएं, अभिवादन आप सभी को, क्योंकि गिल्टी ने पहले ही बहुत प्यार कमा लिया है। थ्रू कॉमेंट सेक्शन हमें पता चला है कि लोग कितना पसंद करने वाले हैं, ट्रेलर ने जितना धमाल मचाया है। बहरहाल, एक और चीज सामने आई है कियारा, वो है नानकी का लुक। सो लोगों ने इतना प्यार दिया है, आप बताइए आपको कितना फंकी और कितना कूल लगा ये लुक? एक्चुअली मेरे लिए इट वाज, मैं थोड़ी सी आई वाज वेटिंग, एंटिसिपेटिंग व्हाट्स गोना हैपन, बिकॉज यू नो कबीर सिंह के लिए प्रीति के लुक में इतना प्यार मिला कि क्या इस रूप में भी लोग मुझे पसंद करेंगे। बेशक। और थैंकफुली जो, जैसे आपने कहा, जो कमेंट्स मिले हैं, जो भी हमारे इंडस्ट्री के फ्रेंड्स और यू नो फैमिली फ्रेंड्स जिन्होंने भी देखा है, ऑडियंस ने, जिसने भी अब तक तो सिर्फ ट्रेलर ही निकला है तो वो देखा है, इट्स बीन वेरी मोटिवेटिंग कि दे हैव एक्सेप्टेड इट एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। सो आई थिंक मैं सारा क्रेडिट रुचि को देना चाहूँगी, क्योंकि ये जो रोल है, एक द लुक ऑफकोर्स फिजिकली इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट ऑल्सो it has a lot to do with the person Nanki is. So she's really created this you know this character, from the hair to the piercing to wo kya pehnengi, wo kyu ye sab kar rahi hai, wo iske piercings ka wajah kya hai, to sara input sare inke taraf se the, aur Cuba jisne styling kiya hai, I think hum teeno ne milke we've really tried to make it as convincing as we could. Kiara ka ye transformation look as Nanki aapko kitna convincing laga? Ma'am, aapne jaise hi pehli dafa inhe dekha, मुझे आई मीन जब हम बातें कर रहे थे तो आई वॉज लाइक इज शी गोना डू इट, शी हैड टू कलर हर हेयर, मतलब शी दैट वाइट हेयर इज हर हेयर, ओके, सो शी एंड शी हैज लॉन्ग हेयर, यू नो, सो शी यू नो इट टुक डेज टू डू इट, बट शी डिड इट, शी जस्ट वेंट फॉर इट। एंड what I like the best is अगर आप सिर्फ बाल, मेकअप और कपड़े पहनोगे तो यू इट लुक लाइक यू आर इन अ कॉस्ट्यूम, बट यू हैव टू गेट द एटीट्यूड टू वेयर इट एज इफ इट्स नॉट अ बिग डील। मैं तो ये रोज पहनती हूँ, मैंने ही करवाया है बाल, यू नो, सो शी गॉट दैट स्वैग, एंड बिकॉज शी इज ओन्ड दैट लुक, the way she's worn it makes it believable and convincing. It doesn't look like, oh, Kiara Advani is now wearing this costume or this look. True. Yeah. Right. नानकी के बारे में और कुछ बताइए, कैसा है किरदार, कितना आप ताल्लुक रखती हैं, और कुछ बताइए दर्शकों को। मैं ये कहूँगी कि वो जो दिखती है वो है नहीं जी, तो चेहरे पे मत जाना, ओके, क्योंकि वो जो दिखा रही है एक तरीके का इट्स अ मास्क, ओके, इज अ रीजन कि वो कुछ तो छुपा रही है, इसलिए ये सब हो रहा है एक्सटीरियर जो आप देख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट्स एक्साइटिंग, दैट्स व्हाट्स ग्रिपिंग इन गिल्टी फॉर मी जी। और यू नो टू प्ले समबडी हु सो कॉम्प्लेक्स, जो फिल्म, जो कहानी हम जिस तरीके से रुचि ने इस कहानी, जिस नज़रिए से वो आपको ये दिखाएगी, इट्स from her point of view in a way, because she's trying to discover the truth like the audience. But at the same time she's confused ki main sach kya hai, mera sach kya hai, is mera boyfriend ka sach kya hai, aur ye ladki jisne us par ye aarop lagaya hai uska sach, to what is the real truth in this entire situation. To ye angle kabhi pehle dikhaya nahi gaya hai when we've seen a film based on rape, jis mudde pe kahani hai. And that was very interesting because I feel that keeps you gripped as a film, it's interesting. And you know, bina kuch kahe, at the end of the film, there's something that you will take away which will be different from what I may take away, and then our discussion would be very exciting. So aapke liye physically, mentally, dono tarike se taiyari rahi? Bahut zyada, in fact extensively taiyari rahi, kyunki ek to main bilkul waisi nahi hu, aur is film mein har scene mein there was so much emotional intensity that had to be added. That I used to literally, मैं घर पैक अप होती, मैं रूम में जाके आई वुड जस्ट सिंक इन टू माई बेड एंड फॉल अस्लीप, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था टू बिंज वॉच एनीथिंग, देयर वाज जस्ट लाइक टू डू एनीथिंग एल्स, आई जस्ट नेवर, आई जस्ट यूज्ड टू बी, क्योंकि जितना भी एनर्जी और
everything that I had, I would, for the first time, I think I've put in so much into a character that I feel like I would come home and just be emotionally like ready to go to bed. That was so satisfying actually at the end of the day. जी, जैसे आप दोनों की bonding मुझे इस वक्त दिख रही है, हमने recent times में देखा किस प्रकार, जिस तरीके से female directors और actress जुड़ती हैं, चाहे हम वो छपाक की बात करें, दीपिका पादुकोण और मेघना गुलजार जी, या हम बात करें पंगा की, जब कंगना रनौत और अश्विनी तिवारी अय्यर साथ में नजर आई और दे हैड सुपर फन. सो आपकी बॉन्डिंग कैसी है, क्या कुछ बताना चाहेंगी दर्शकों को? आई फील लाइक वी जस्ट गेट इट, लाइक हम जब आई थिंक फॉर मी आई क्लिक्ड विद रुचि राइट फ्रॉम द मिनट शी नरेटेड द स्क्रिप्ट. लेकिन सेट पे भी कट के बाद रुचि डिडंट हैव टू टेल मी कि ये चेंज करो. हम एक दूसरे को देखते थे एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाट शी वांटेड मी टू चेंज. शी बी लाइक यू ऐसे इशारों में बस ऐसे गो फॉर सेकंड टेक. तो वो हो जाता था, यू नो, लाइक यू नो समवन सो वेल दैट यू नो व्हाट दे आर गोना से. एंड एंड या आई थिंक यू नो इट्स यू नो आई मीन आई नेवर लुक्ड एट इट डिफरेंटली फ्रॉम वर्किंग विद अ मेल डायरेक्टर. जी, बट because she's quite a badass herself and it's you know, I mean, you never get that feeling. But of course, I mean, there's a certain comfort level when when it's a female director, and I really hope that we do more films together because lovely. We, that, you know, like when you get someone like that, it'll be just it'll just be so exciting. Yeah. And I want to add that I think what happens is we end up having more fun because we can talk about very serious things and deep things and switch also and giggle and laugh and you know it's not I think we don't take ourselves so seriously. That's so good. It's very easy to then relate because there's no posturing and all that kind of stuff. Well, thank you very much. I hope you had fun. Thank you very you. Much. We really did. Thank you. We want you to see our colors. Yeah. Definitely, ma'am. Definitely. Thank you very much. Thank you. Thank you.